पहले हम सभी लोग साथ में मिलके मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ओम अज्ञान्ति विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य मनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो अभी तक 1 से 9 तक श्लोक हमने पढ़ाई किया है, तो उसमें जैसे शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं उससे लेके भक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजों से दूर रहना चाहिए, भक्ति के लिए क्या क्या चीजों को साथ में रखना चाहिए, भक्तों के अंदर प्रेम के 6 प्रकार के विनिमय कैसे हैं, उसके बाद भक्तों में क्या अलग अलग 3 स्तर रहते हैं, उसके बाद भक्त के अंदर कैसे दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे अलग अलग श्लोक में हमने अलग अलग चीजों को सीखा। तो अभी लास्ट में हमने सीखा था कि जो अलग अलग भगवान के अंतर्गत धाम है तो उसमें जैसे वैकुंठ है उससे ज्यादा बेहतर है, मथुरा उससे बेहतर है, वृंदावन वृंदावन से बेहतर है,
गोवर्धन गोवर्धन से बेहतर है राधा कुंड, तो उसके अंतर्गत हमने दो श्लोक देखे थे। तो आज उससे जो नेक्स्ट लेवल है उसके बारे में हमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम उसका जो शब्द है उनका अनुवाद देख लेते, उसके बाद हम श्लोक का पाठ करेंगे। कर्मीभ्यः समस्त सकाम कर्मियों की अपेक्षा परितः सभी प्रकार से हरे हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रियतया प्रेम भाजन होने के कारण व्यक्तिम युयुः शास्त्रों में कहा गया है ज्ञानिनः ज्ञानीजन तेभ्यः उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान विमुक्त ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए भक्ति परमाः भक्ति में लगे हुए प्रेम एक निष्ठाः जिन्होंने ईश्वर का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर लिया है ततः उनसे भी श्रेष्ठ तेभ्यः उनसे भी उच्चतर ताः वे पशुपाल पंकज दृशः गोपियां जो गाय चराने वाले कृष्ण पर सदैव आश्रित हैं ताभ्यः उन सबसे ऊपर अपि निश्चय ही सा वह राधिका श्रीमती राधिका प्रेष्ठा अत्यंत प्रिय तद्वत् उसी तरह इयम् यः तदीयसरसी उनका सरोवर श्री राधा कुंड ताम श्री राधा कुंड की न नहीं आश्रयेत शरण लेना चाहेगा कह कौन कृति अत्यंत भाग्यशाली। तो इस श्लोक का पाठ करेंगे। कर्मी व्यह पर तो हरे हे प्रियतया कर्मी व्यह पर तो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिन तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमेक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकजदृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा त्वदीयं तदीयसरसि ताम्नाश्रयेत् कः कृति। प्रभु जी में से भी पढ़ेंगे। कर्मीभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमेक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा त्वदीयं तदीय सरसी
प्रेष्ठा त्वदीयं तदीय सरसि और कोई पढ़ेंगे प्रभु कर्मी भ्या पर तो हरे प्रियतया व्यक्ति यजुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः पशुपाल पंकज पशुपाल पंकज स्ताभ्यो अपि साराधिका प्रेष्ठा त्वदीयं तदीय सरसि तान्नाश्रयेत् कः कृते माता जी में से कोई पढ़ेंगे कर्मीभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्ति ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृशा ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तदद्वियं तदीय सरसि तां नाश्रयेत् कः कृते और भी पढ़ना चाहेंगे कर्मीभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा त्वद्वदीयं तदीय सरसि हरे कृष्णा। तो अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की। तो यहाँ पे बताते हैं कि शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग यानी कि ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्तिभाव यानी कि अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा गोविंद के तट पर भक्ति करते हैं ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। तो इसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है।
सो जैसे देखते हैं कि भौतिक जगत है तो उसके अंदर जगत का मतलब क्या है, जो चलता रहता है, गत मतलब गति, जो गतिशील है। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि लोग भौतिक चीजों के लिए कार्यरत रहते हैं। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण में वर्णन हुआ कि विष्णु शक्ति पर प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा पर अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति दृश्यते। तो यहां भी बता देंगे मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को तीन कोटियों में विभक्त किया, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। तो जीवात्मा क्या है? तटस्थ शक्ति। तट का मतलब क्या है कि समुद्र का किनारा है, नदी का तट है, तो जहां पे क्या है, जंक्शन है, जमीन भी है या पानी भी है, तो जो तट पे है वो कहीं पे भी जा सकता है। सो दिस ऑल जीवस, जो जीव है वो क्या है, भगवान के अंतरंग शक्ति के संपर्क में भी जा सकते हैं और बहिरंग शक्ति के संपर्क में जा सकते हैं। अगर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, हम अंतरंग शक्ति की सेवा में लगते हैं, और जब हम भौतिक जगत के ऊपर कंट्रोल काबू करने का प्रयास करते हैं तब क्या होता है, हम बहिरंग शक्ति के वश में आ जाते हैं। तो यहां भी बताया ना कि वो जादू से वशीभूत हो गए। पांचवें अध्याय में भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि लास्ट 5.29 में बताते हैं कि जो व्यक्ति समझता है कि भगवान ही भोक्ता है, भोक्ता राम जगत प्रसन्न सर्वलोक महेश्वरम, तो सभी लोक के जो महेश्वर भगवान है और वही भोक्ता है। श्रुदम सर्वभूतानाम, सभी के स्वरूप परम मित्र है, हितेशी है, ज्ञातवा शांति रुचति, तभी उनको शांति प्राप्त हो जाती। पीस फॉर्मूला जो बताते हैं ना, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि हम भौतिक जो शक्ति है, तृतीय शक्ति जो बोला है, उसको हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और माया के जो तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस उसके अंतर्गत हम कंट्रोल्ड रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा भाव महसूस होता है कि हम कंट्रोलर हैं। इसीलिए तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे आधिपत्य जमाने के लिए प्रयास करते हैं। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा से के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरफ कठोर श्रम में लगे रहते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि लास्ट 100-200 साल से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ है, तो मैक्सिमम लोग जो पहले सिंपल लाइफ जीते थे तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, टफ लाइफ जी रहे हैं। जो प्रोडक्शन में काम करते हैं उनकी आप हालत देखिए, और आज हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट के रिलेटिव आए थे तो मैं बोला कि तो बोले हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्शन करते हैं कि इतनी डिमांड है, बेरिंग्स बना रहे हैं वो, तो उसकी डिमांड इतनी है कि वो 24 घंटा काम करते हैं कंपनी में फिर भी उसका वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब वेटिंग चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कंपनी में किसी को छुट्टी नहीं मिलती, कंटिन्यूअस उनको 12-12 घंटे 16-16 घंटे तक वो ओवरटाइम करके भी वहां पे उनको कार्य करना पड़ता है। तो यहां भी पता है कि कुकर और सुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे हुए हैं। कुकर सुकर भी इतना तो श्रम नहीं करते रहेंगे, तो उपमा दी हुई है, वो भी आराम करते रहेंगे। सो दैट बिलो दैट लेवल। किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्ग लोक को भेजे जाते हैं। कलयुग में ऐसा बताया है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। तो कलयुग में कोई और यज्ञ के बारे में बताया नहीं गया है, कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण करना है, क्योंकि हमारे पास उतना समय भी नहीं है, हमारे पास उतनी शक्ति भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं है कि हम बड़े बड़े यज्ञ कर पाए। इसीलिए कलयुग में कौन सा जप यज्ञ ही बताया, संकीर्तन यज्ञ बताया गया। तो यहां भी बताते हैं कि जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक
तथा उससे ऊपर के लोगों को भेजे जाते हैं, मतलब हायर प्लैनेट्स। प्रभुपाद जी का एक पुस्तक है जर्नी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो और ग्रहों पे कैसे जाना है, तो उसके बारे में कौन सी विधि है उसके बारे में बताया गया है। भगवद गीता में उल्लेख, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विसंति, अपने तथा कथित पुण्य कर्मों के फलों से क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मरते लोक अर्थात मृत्यु का स्थान भलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। तो वो हो गई दूसरे ग्रहों पे जाने की बात। अभी लोगों के पास इतना वो नहीं है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं तो आबू चले जाते हैं, जिसके पास और कम पैसे है तो पावागढ़ चले जाते हैं, और कम पैसे हैं तो आसपास के गार्डन में चले जाते हैं, कहीं तो चले जाते हैं, ज्यादा पैसे है तो स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। लेकिन परमानेंट तो वहीं पे नहीं रह सकते ना, आपके पैसे बैलेंस खत्म हो गया 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख, या फिर नहीं तो वो बोल देंगे कि आप इधर के सिटीजन नहीं हो, आपका वीजा खत्म हो गया। पैसे है लेकिन क्या बोलेंगे, अभी आप यहां पे नहीं रुक सकते हैं। तो वैसे ही जो उच्चतर लोक है वहां पे भी लंबे समय तक आप नहीं रुक सकते, पुण्य खत्म हो गया तो आपको वापस आना पड़ेगा। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हो या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। तो मैं जो भी मिलता है उसको ऐसे बताता हूं कि आपके भाग्य में है ना वो आपको मिलने वाला है, मेरा खुद का अनुभव है। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करता, लेकिन पैसे आते हैं, और जब जाने वाले रहते तो जाते भी है, तो इसलिए आए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और जाए तो दुखी भी नहीं होना चाहिए, उल्टा होता है ना, आते हैं तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, अरे बहुत पैसे आ गए, पार्टी करते हैं, और फिर जाते हैं तो बहुत दुखी भी हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आए थे, हार्ट अटैक के आए थे, तो मतलब वो मुझे पहला प्रश्न पूछा कि अभी ये दवाइयां मुझे कब तक लेनी पड़ेगी। मैंने बोला अभी आपको हार्ट में स्टेंट डाले हुए हैं तो आपको ये दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कौन सब ले सकता है, मैंने तो कभी हॉस्पिटल भी नहीं गई, वो ऐसे उनका चालू हो गया सब। फिर सब मैंने थोड़ा और बातचीत की तो पता चला कि उनके कुछ 2 करोड़ रुपए किसी को उन्होंने दिए थे और वो लेके डूब गए हो पैसे, तो इसलिए वो उसके स्ट्रेस में रात दिन उनको वही विचार आता था, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ये प्रॉब्लम सारे क्या, पैसों की माया जाल है। अभी वो जाने वाले थे तो चले गए, अभी वो जाने के बाद हार्ट अटैक के लिए तो वो खुद ही जिम्मेदार थे, वो खुद बोलते हैं कि उसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक आया, ऊपर से वो बोल रहे हैं कि आप अभी मुझे उनको फोन कीजिए, मैं नंबर लगा के देता हूं, आप बोलिए कि इनको बिल पैसे, बिल भरने के पैसे नहीं है, अब पैसे भरने हैं, वो थोड़ी पैसे भरने आने वाला है, मतलब वो अभी बीमार है, उसका कारण अभी वही है, लेकिन फिर भी उसको ही वो याद कर रहा है, उसको ही कोस रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके कुछ पूर्व कर्म रहेंगे उसकी वजह से ये सब हुआ है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो फ्री हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या, मृत्यु हो सकती है। मृत्यु से बड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना, आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मृत्यु ही हो सकती है। लेकिन लोग मृत्यु को पसंद करते हैं, लेकिन धन का लॉस हो जाए, काफी ऐसे पेशेंट्स भी हम देखते हैं कि जो बोलते हैं कि बस अभी खर्चा नहीं करना है मुझे, ऐसे मर जाएंगे तो ठीक है, ऐसे कंजूस लोग रहते हैं, आपने भी देखे रहेंगे आसपास में, तो उनके पास पैसे रहेंगे लेकिन वो अपने लिए यूज करते नहीं है, किसी और के लिए भी यूज करते नहीं है। तो मैं कल एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें वो एक कंजूस व्यक्ति था, धनवान, तो उसने सब कुछ अपना जो बेच के सब उसका गोल्ड खरीद लिया और वो गोल्ड को एक खड्डे में डाल दिया और उसको ढक दिया और वो हर रोज जाके वो देखता था कि सब ठीक है कि नहीं। तो एक दिन उसके नौकर को पता चल गया कि यहां पे कुछ तो है गड़बड़ है, तो फिर वो क्या करता है, जब सेठ जी सो जाते हैं ना तो खोद के वो निकाल लेता है और उधर एक पत्थर डाल देता है,
तो फिर वो जब दूसरे दिन आता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो खोद के देखता है तो पत्थर निकलता है, तो बहुत रोने लगता है। तो उसके पड़ोसी आ जाते हैं, तो पड़ोसी बोले कि आप अज्यूम कर लो कि यही सोना है, आप तो ऐसे यूज करने वाले नहीं थे, आप यूज तो करने वाले थे नहीं, तो आपके लिए पत्थर और सोना एक ही है। तो अगर आपके पास ज्ञान है, कुछ काबिलियत है, ताकत है, अगर वो सब चीजें आप कृष्ण के लिए यूज नहीं करते हैं, तो पत्थर के समान है। इसलिए आपको जो भी भगवान ने दिया है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जीवे ने स्वरूप हॉय कृष्णेर नित्य दास, तो भगवान के नित्य दास हैं, तो हमें हमारी जो भी शक्तियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बताते हैं कि ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में से कुछ विकर्मी होते हैं, जो शास्त्र से विरुद्ध कार्य करते हैं, जो शास्त्र में बताया है उसको करते हैं, उसको कर्मी करते हैं, लेकिन वो उससे अलग हैं, विपरीत कर रहे हैं, उसको विकर्मी बोलते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार के उच्चतर लोगों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से तो श्रेष्ठ है, जो पाप कर्म कर रहे हैं उससे तो जो पुण्य कर्म कर रहा है वो श्रेष्ठ ही है, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। भगवान भगवद गीता में चौथे अध्याय में बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। जो जिस रूप से मेरी शरण में आता है उसे मैं तद अनुसार भव देता हूं। भगवान बताते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आठ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। किसी को तकलीफ है तो भगवान के पास मंदिर में जाते हैं, किसी को पैसा चाहिए तो वो जाते हैं, किसी को कुछ ज्ञान चाहिए, जानना है भगवान के बारे में तो भी जाते हैं, और चौथे हैं ज्ञानी। तो भगवान बोलते हैं सभी मेरे लिए अच्छे ही हैं, लेकिन श्रेणी अलग अलग है। इवन भक्तिमय लोग चार स्तर पे करते हैं, सबसे पहले आउट ऑफ फियर, डर से। तो कुछ लोग बात करते हैं ना तो ऐसे, भगवान से डरो, तो बोलते हैं ना, सुना है आपके आसपास में भी, आप में से भी कोई लोग बोलते रहेंगे डरो भगवान से ऐसे। तो भगवान को ऐसे राक्षस थोड़ी ऐसे डरना है। आप आपके पिता से डरते हो क्या? अगर डर रहे हैं तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो भगवान से डरना नहीं है, तो वो लेवल पे भक्ति नहीं हो सकती है। डर के भक्ति कर सकते क्या? नहीं कर सकते, लंबा समय कोई चीज डर के नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, कुछ लाभ के लिए लोग करते हैं। फिर आउट ऑफ ड्यूटी, कि भगवान ने सब कुछ दिया है इसलिए भगवान को थैंक यू बोलने भगवान के लिए मंदिर में जाते हैं, थर्ड स्टेज हो गया। और चौथा स्टेज है प्रेम, आउट ऑफ लव। तो हम मंदिर में ये कोई भी स्टेज से जा सकते हैं। तो अगर हम पहले तीन स्तर पे जा रहे हैं तो हम कौन से स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए? चौथे स्तर, प्रेममय भक्ति में आना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। अभी जो धनवान व्यक्ति है ना, तो वो गरीबों को भी दे देगा, पड़ोसियों को भी दे देगा, तो बच्चों को तो देगा ही ना अपने। तो भगवान भक्तों के लिए थोड़े से ज्यादा ही कृपामय है, तो भक्तों का तो ध्यान रखने वाले ही है ना। तो हमें वो चिंता करनी नहीं है कि हमारा क्या होगा। भक्ति में लग के बाद में कुछ संशय रहते, संशय आत्मा प्रणश्यति विनश्यति, वो उनका संशय नहीं रखना है। भगवान बताते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सभी जो कहे गए धर्म है उनको छोड़ के मेरी अकेले की शरण में आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, पत्नी की शरण लेते हैं, पति की शरण लेते हैं, बच्चों की शरण लेते हैं, घर की शरण लेते हैं, सरकार की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। राइट, ऐसा होता है ना। बाहरी रूप से हम दिखाते हैं कि हम भगवान की शरण लिए हुए, तिलक करते हैं, धुती कुर्ता पहनते हैं, कंठी माला लगाते हैं, लेकिन अभी भगवान आ जाए, चलो ये सब छोड़ के आ जाओ, अरे अभी बच्चे छोटे हैं। वो कैलाश की स्टोरी पता है आप सबको, कैलाश की कितने लोगों ने नहीं सुनी, याद बोल करो कैलाश की स्टोरी, काफी लोग हैं तो सुननी चाहिए।
एक कैलाश करके व्यक्ति है, तो वो बिजनेसमैन था, तो नारद मुनि उसको मिलने आते हैं, तो बोले कैलाश मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें भगवान के धाम में लेके चला जाऊं। तो कैलाश बोलता है अभी आप आए मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। लेकिन कैलाश क्या बोलता है कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ा उनको बड़ा हो जाने दीजिए, बाद में थोड़े सालों के बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो बोले ठीक है, 10 साल बाद आते हैं। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का भी मैरिज भी हो गया है, और तो कैलाश को फिर मिलते हैं नारद मुनि। तो कैलाश क्या बोल रहे हैं, अभी अभी बिजनेस दिया है, अभी उनको बिजनेस चलाना आता नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं हुए मेरी तरह, तो अभी सही समय नहीं है। तो और 5-10 साल के बाद आते हैं, तो कैलाश तो डेथ हो गया है उनका, और वहां पे एक कुत्ता भौंक रहा है। तो नारद मुनि देख रहे थे, अरे ये तो कैलाश कुत्ता बन के आया है। तो कुत्ते से बात करते कि कैलाश क्या हो गया, तो लास्ट टाइम मैं आया था तो तू नहीं आने को बोल रहा था, अभी मृत्यु हो गया, अभी चल अभी मैं लेके जाता हूं तुझे, अभी ये लोग है ना आलसी हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, अभी ये सब बिजनेस घर कुछ ध्यान नहीं रखते, तो मैं चौकी करता हूं इनकी। कुत्ते का काम क्या है, चौकी करना है ना, कुछ कोई लेके ना जाए, तो मैं इसीलिए इनका ध्यान रख रहा हूं। और ये लोग कुछ रोटी टुकड़ा डाल देते हैं तो खा के, अपना ही घर का है तो खा लेता हूं मैं, तो खा लेता हूं। तो नारद मुनि बोले फिर भी चल ठीक है, आजा, अभी बहुत सेवा कर ली। बोले नहीं नहीं अभी और अभी थोड़ा सा समय बाकी है, अभी उनके बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाए, थोड़े समझदार हो जाए, तो और 5-10 साल के बाद आते हैं। तो अभी तो कुत्ते का आयुष्य कितना, 10-12 साल रहता है। तो वो पूछते हैं नारद मुनि, वो कुत्ता किधर गया, अभी तो कैलाश तो है नहीं, तो उसे कुत्ता किधर गया। तो बोले कुत्ता तो मर गया 2-3 साल पहले। तो नारद मुनि ध्यान लगाते हैं, तो इधर इतने में ही रहेगा ये, तो कोबरा बन गया है वो, अभी वो क्या बन गया है, कोबरा है। तो पास के नजदीक में वो कोबरा बना था, तो वहां पे गए, उसको बोले कि अरे कैलाश क्या हो गया, तू इतना पतन हो गया, अभी तू सांप बन गया अभी। तो बोले यहाँ पे मैंने सब धन रखा हुआ है, इसका रक्षण कर रहा हूं मैं। तो बोले कि अभी तो छोड़, अभी तो आ जा, अभी तो 4 बार में आया, अभी मैं कितनी बार तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो बोले प्रभु ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी तो ये धन का रक्षा तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि क्या करते हैं, अभी बोलते हैं इसको ऐसे नहीं होने वाला है, जो आसक्ति इसको छुड़ाना पड़ेगा। तो उसके बच्चों को बुलाते हैं, बोलते हैं आपके छोटे बच्चे हैं, ये सांप है, इधर काट डालेगा, मार डालेगा। तो तुरंत ही उसके लड़कों को लेके आते लाठी लेके, नारद मुनि बोलते इसको मार डालो, तब जाके वो निकलता है उसमें से। तो हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, कितने लोग मानते हैं ऐसी कुछ, कुछ तो स्थिति है हमारी, है सब मानते हैं, अच्छी बात है। तो हमें क्या कैलाश बनना है, नहीं बनना है। तो अभी मृत्यु आ जाए, उसके बाद फिर से दूसरा जन्म लेना है, कुत्ता बनना है, फिर सांप बनना है, फिर ऐसे बहुत है, 84 लाख स्पीसीज है, नहीं 84 लाख स्पीसीज है ना, ये तो नारद मुनि ने तो 2 ही बताया है। तो बहुत ज्यादा जन्म है हमारे पास ऑप्शन। पुनरअपि जननी जठरे सायराम, तो अलग अलग माताओं के शरीर में जाने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जन्म में अगर मनुष्य जन्म भी मिल गया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि मम्मी ज्यादा ध्यान ही रखेगी। अभी तो मम्मी क्या है कि 6 महीना दूध तो पिलाती है, अभी आजकल की मम्मी उतना तो है, अभी नेक्स्ट मम्मी आएगी ना तो शायद जन्म ना भी दे, अरे मेरा करियर है, मेरा फिगर है, ये है वो है करके वो बच्चे को मार डालेगी। अभी भी चालू है वो ट्रेंड, अभी भी काफी लेडीज हैं तो वो हस्बैंड वाइफ बच्चे के लिए ही तैयार नहीं है, दोनों करियर चाहिए उनको, ऐसे काफी फैमिलीज मैंने देखे हुए हैं, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, कुछ लोग मैरिज भी नहीं कर रहे, साथ में रहना है, जिम्मेदारी नहीं लेना है, मैरिज भी नहीं करना है। तो ये अधपतन धीरे धीरे, तो अभी समझिए कि दूसरा जन्म लिया तो क्या स्थिति होगी, भयावह स्थिति होगी। तो भयावह स्थिति में कितने लोगों को आना है, हाथ भर करो, उसमें से बाहर कितने लोगों को निकलना है, सबको निकलना है, अच्छी बात है, चलो जाग गए सब लोग भी। तो यहां पे बताते हैं कि
यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य में नवीन शरीर धारण करता है या उसे अन्य कोई पद प्राप्त होता है जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। तो बताते हैं वहां पे अप्सराएं रहेंगी, मदिरा मिलेगी, डांस करोगे आप, तो सपनों में वो यज्ञ करते रहते हैं, अभी मैं कुछ भोग नहीं करूंगा, वहां पे जाके करूंगा, फिर वहां से वापस आके फिर डंडा पड़ेगा इधर, और कुछ उसमें बीच में कुछ गलत कर दिया तो नर्क में भी जाना पड़ेगा, समझ रहे ना, कुछ गलत किया है तो फिर नर्क में भी जाना पड़ेगा। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते यानी कि विकर्मी हैं, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते हैं। बताया जाता है भगवद्गीता में कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे पता चलता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य वासुदेव कृष्ण की प्राप्ति है। अगर इसके अलावा बाकी सब चीजों में हम लगे हुए हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम हमारा समय बिगाड़ रहे हैं। शरीर को धारण किया है तो शरीर के प्रति कुछ हमारे धर्म है, उसको ध्यान रखना है, उतना करना है, लेकिन उसके प्रति उतने आसक्त नहीं होना है कि हम जो मूल धर्म है, मूल स्वार्थ है हमारा, मूल स्वार्थ क्या है, भगवत प्राप्ति करना, उसको भूल जाए। तो नए शरीर तो मिलते रहेंगे, नई पत्नी मिलेगी, नए बच्चे मिलेंगे, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू सेलिब्रेशन होता है ना सर। अभी मेरा बर्थडे गया तो चार केक तो मैंने काट दिया, अभी आप सोचिए अभी 40 की उम्र में मैंने चार केक काट लिया, अभी तो मेरा सन बोला था पापा आप तो ज्यादा केक कट कर रहे हो। तो वैसे जैसे जैसे आप एज बढ़ता है, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो वैसे ज्यादा लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपको उससे बच के रहना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि जब भी आपका बर्थडे आए तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक साल मृत्यु के और ज्यादा करीब चले गए हो, सेलिब्रेट करो। आप कैसे करो, भक्ति बढ़ा के। सो जैसे आपका हर बर्थडे आया है तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ और अलग नियम लेने चाहिए जिससे आप भक्ति में आगे बढ़ सको। तो ऐसा कितने लोग करते हैं हर साल जब बर्थडे के ऊपर एक एक नया नियम लेते हैं, कोई है ऐसे? चलो माताजी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी के भक्तों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अभी जब भी किसी का भी बर्थडे आता है तो क्या करना है, उसको सेलिब्रेट करना है। कैसे करना है, और भक्ति बढ़ानी है, मतलब और नजदीक जा रहा है मृत्यु के, और भक्तों को मृत्यु का डर नहीं लगता है। किसको मृत्यु का डर लगता है, आदमी वर्ग है, चलो है कोई तो है। मृत्यु का डर आपका चला जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण है ना, समझ रहे हैं आप। सो विष्णु पुराण में बताया गया कि जो भक्ति करता है अगर वो लास्ट टाइम ऐसी स्थिति नहीं भी है उनकी, कि गरुड़ पुराण में बताया ना, गरुड़ पुराण में बताया कि लास्ट समय में ऐसी स्थिति नहीं क्या भगवान का नाम ले पाओगे, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप भगवान का नाम ले पाओ, या फिर वो आपका जो क्रेडिट है उसका बेनिफिट दे देंगे आपको, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो शासंक रहने की आवश्यकता नहीं। अरे भी क्या होगा, उस समय पे लकवा मार गया तो क्या करेंगे, हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे, कुओं में चले गए तो क्या करेंगे। मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं मम्मी का। तो अभी लास्ट ईयर अगस्त में मेरी मम्मी को 10 साल से पैरालिसिस था, 2011 से लेके 2021 तक। सो अगस्त महीने में आई थिंक मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो कर्म भोगने थे वो सब खत्म हो गए रहेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कंप्लेन करना बंद कर दिया था। पहले वो ऐसे कंप्लेन करते थे कि अरे मुझे क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मैं जब भी बोलता था कि भगवान का नाम लो तो बोले इसका नाम लेके क्या फायदा है, ऐसे सब चलता था। तो फिर हमारे जो मम्मी के आया बहन आते थे जो केयर टेकर थे, तो वो बोले कि भाई बा हूं नेक्स्ट मंथ ही नहीं आऊ, आई विल नॉट कम फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो हर बार क्या होता था कि एक दिन की भी छुट्टी लेते तो मम्मी ऊपर नीचे हो जाती थी, अरे मेरा कौन करेगा, ये करेगा वो करेगा होता था। तो इस बार मम्मी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बोले हाँ ठीक है जाना है तो जाने दो।
तो उनके कर्म जो भुगतने थे वो चले खत्म हो गए थे, तो वो रिलैक्स हो गए थे। तो जब तक आपको डर लग रहा है ना, उसका मतलब है आपको भुगतने वाले कर्म बहुत बाकी है। आपको डर लग रहा है उसका मतलब क्या है, आपका बाकी है बहुत। तो उसके बाद क्या हो गया कि 12 तारीख को उसको ब्लड का वॉमिट हो गया, तो मेरी वाइफ का फोन आया। तब मैं गोरज, मेरी जॉब चल रही थी तो मैं गोरज पहुंच गया था। तो मेरी वाइफ का फोन आया कि ऐसे ऐसे मम्मी को ब्लड का वॉमिट हुआ है। मैंने बोला ठीक है, अभी मैं वापस आऊंगा तो समय लगेगा। मैं बोला मदर इन लॉ को आप बुला लो, तो घर में रहेंगे, भगवान का नाम सुनाओ ऐसे वैसे। लेकिन मैं शाम को आया तो सब ठीक था, फिर उनको थोड़ा सा आइसक्रीम दिया, सब ठीक हो गया। एक दिन सब ठीक चला, सबके साथ वीडियो कॉल पे बात हो गई, मतलब एक दिन अच्छा हो गया। फिर 14th को मैं 9 बजे सो गया, तो 9:30-10 बजे के आसपास मेरा संग मुझे बुलाने आया कि सांस में कुछ भारी भारी चल रहा है अभी। तो मैं गया तो पता चल गया, तो भी लास्ट सांस चल रहा है। तो गंगा जल पिलाया, अपने जैसे करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र चालू किया, भगवद गीता सुनाया, तो बॉडी एकदम से क्या बोलते हैं कि पहले स्टिफ था क्योंकि जकड़ गया था पूरा पैरालिसिस की वजह से, वो सब लूज हो गया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। तभी मुझे विचार आया कि इसके ऊपर भगवान कृपा करे तो अच्छा है। तो 5-10 मिनट के लिए वो सेंसेस वापस आ गई उनके। तो मैंने बोला ये कौन है, तो बोले अनमोल है, समझ में आने लगा उसको। फिर मैंने बोला राम का नाम लो, तो राम का नाम लिया। मैंने बोला कृष्ण का नाम लो, तो कृष्ण का नाम लिया। फिर पूर्ववत हो गया आधा एक घंटा, फिर सांस चले गए उनके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो भगवान के ऊपर छोड़ दो ना। भगवान की इच्छा थी कि उनके अंत समय में वो उनको स्मरण कर पाए, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की। मेरे तो काफी पेशेंट्स के बारे में भी ऐसे अनुभव है, क्योंकि लास्ट समय में मैं देखता हूं पेशेंट्स को। तो वो चिंता आप मत करो, वो चिंता उनको करने दो। मेरे पिताजी 2 साल पहले कैंसर था, लास्ट समय में बहुत वीकनेस थी, तो वो मम्मी से विपरीत था। वो पूरा भगवद गीता पढ़ी थी, भागवतम पढ़ा था, सुलामाला जप करते थे, तो इतनी वीकनेस थी, कोई कंप्लेन नहीं किया उन्होंने। 15-20 दिन बचे थे लाइफ के, तो मुझे पूछ रहे हैं कि अभी ताकत नहीं है, मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्या करूं। ये चेतना चाहिए हमको, हमें कौन सी चेतना चाहिए कि मेरे से भगवान का नाम लेना हो नहीं पा रहा है, ताकत नहीं है। तो आप में से किसी की ऐसी स्थिति है कि ताकत नहीं है, तो आप लोग सब भगवान का नाम ले सकते हो, तो कितने लोग लेंगे अभी। चलो, तो अभी जो लोग रेगुलर नहीं ले रहे हैं वो शुरुआत करिए। तो मैंने तो अपने घर में देख लिया, मम्मी पापा का दोनों का, कि वो मुझे सिखा के गए कि लास्ट समय में क्या चेतना होनी चाहिए। शारीरिक चेतना से दूर निकल जाना है आपको। जो ड्यूटीज है, बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, EMI है, नौकरी है, तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन वह मेन लक्ष्य नहीं है। जब आपको बोला जाए कि अभी खाली करो ये घर, अभी बोले तो अभी खाली कर देना है। वो गोकर्ण की स्टोरी पता है ना सबको, आपको भागवत में आती है। तो दुंदु भी करके उनके ब्रदर के लिए वो भागवत सप्ताह करते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनका कल्याण नहीं होता है, क्योंकि वो उत्कंठा नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, वो उत्कंठा जगानी है, इच्छा करनी है। सो भगवत प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं कर सकते हम क्या कर सकते हैं, डिजायर, इच्छा कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, तो इच्छा करेंगे ना तो भगवान की कृपा से सब कुछ होगा जो इच्छा कर रहे हैं। अभी हमने इच्छा की है इसीलिए यहां पे फंसे हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी इच्छा करनी पड़ेगी, इसमें से बाहर निकलने की इच्छा। तो बाहर निकलने की इच्छा मतलब क्या है, भगवान की सेवा करने की इच्छा। तो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें भक्तों का संग प्रदान करेंगे, जैसे भक्तों के संग में रह के हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर पाएंगे। हमारे में वो क्षमता नहीं है कि हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर पाए, इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि कभी भी कुछ भी ऑफर करना है भगवान को, पर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे ऑफर करना है, यू जस्ट ऑफर इट टू योर गुरु, आपके गुरु भगवान को ऑफर कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको। प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था कि You should always, the husband should be servant of Guru and Krishna, and
वाइफ शुड बी मेड सर्वेंट ऑफ हस्बैंड, मतलब दोनों अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लगे हुए चाहिए। वो एक दूसरे की सेवा करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ही आ जाएगा। अगर दोनों भगवान की अत्यंत सेवा में लगे हुए ना तो झगड़ा नहीं होगा। अदरवाइज तो क्या होगा, मैं आपके लिए इतना करती हूं, आपको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, होता है कि नहीं, और मैं आपको इतना कमा के दे रहा हूं फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सब बंद हो जाएगा। जब आप भगवान की सेवा में लग जाओगे तो ये सब बंद हो जाएगा। तो अगर आपको पीसफुल वातावरण चाहिए घर में, तो घर के मुखिया किसको बना दीजिए, कृष्ण को बना दीजिए। आप क्या, सब लोग कृष्ण के दास बन जाइए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्ये यत आत्मनयो आत्मनोय मसन्नपि क्लेशद आसदेह। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में वे पागल हैं, क्रेजी। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तीन प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है, जो भौतिक अस्तित्व के भाग रूप हैं। दुर्भाग्यवश सकाम कर्मी धन कमाने तथा ये न केन प्रकारेण क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए पागल हुए रहते हैं, अतएव वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताते, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भौताद भक्तिर अहेतुकी। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि न धनम धन नहीं चाहिए, न जन्म फॉलोवर्स नहीं चाहिए, न सुंदरी सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, न कविताम मेरी कोई प्रशंसा करे वो भी नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी हर जन्म में अहेतुकी भक्ति, तो आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। फिर भगवान यहां पे जन्म दे या कहीं पे भी जन्म दे या अपने धाम में लेके जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द टॉपमोस्ट लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस। वे ये नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्र तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा। अंततो गत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकतावादी यह नहीं सोचते कि इस शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाले होते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानना। हितोपदेश में बताया गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम एवच सामान्य देतत पशु भी नरा धर्मो ही देशां अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। खाना पीना बच्चे पैदा करना फाइट करना ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमें पशु से ऊपर लाती है। तो जो कर्मी लोग हैं वो धन के लिए पूरा जीवन निकाल लेते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों बड़ी बड़ी मोटर कारों सम्माननीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि अगले जन्म में पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे, यही श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान यानी कि आत्मतत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्मतत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवा दे रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर पर पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंधह पद से संकेत किया गया है, जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से
दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य। जैसे समझ सकते हैं कि प्रभु जी बता रहे कि आपको एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा है तो वापस तो आना पड़ेगा आपको। क्या बता रहे प्रभु जी कि आपको कोई भी इच्छा है, छोटी से छोटी इच्छा है, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो जो भी इच्छा है ना वो कृष्ण के संबंधित की इच्छा तो बंद नहीं कर सकते ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप जीरो तो नहीं कर सकते ना, वॉइड में तो नहीं चला जा सकते ना। बुद्धिज्म में बताते हैं ना शून्य पे कॉन्सेंट्रेट करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो इच्छा है वो भगवान की सेवा में निहित करनी पड़ेगी। तो धीरे 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 क्या होगा, जो हमारी सारी इच्छाएं हैं वो कृष्णमय हो जाएगी। तो मैंने ऐसे काफी भक्तों को देखा है कि वो उनकी चेतना पूर्णतया कृष्णमय है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको उनका नाम क्या बनाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। तो कृष्ण भावना जगानी है हमारे अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये सिर्फ ड्रेस बदल दिया तो हम भक्त हो गए, वो तो एक्सटर्नल चेंज है। डेफिनेटली एक्सटर्नल चेंज हेल्प्स फॉर द इंटरनल चेंज। जैसे अभी आप यहां पे साड़ी पहना हुआ है कि धोती कुर्ता पहना है तो एक वो आध्यात्मिक वातावरण में बनाने में एक हेल्प मिलता है, लेकिन साथ साथ में अंदरूनी प्रयास भी करना पड़ेगा। तो दोनों उतना ही जरूरी है, सिर्फ एक्सटर्नल चेंज से नहीं होने वाला, इंटरनल चेंज भी करना पड़ेगा। सो इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से बचा रहता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के ज्ञान अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंचाता तब तक वह अज्ञान यानी कि अविद्या में स्थित है, ऐसा ही माना जाता है। मतलब ज्ञान क्या है कि एक अवरोध बन जाता है अगर वो हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं। आपको पता है कि आप ये बंधन में हैं, लेकिन बंधन की मुक्ति के लिए जो प्रयास करना है, जो भक्ति का सेवा में कार्य करना है, उसमें अगर आप नहीं लगेंगे तो आप मुक्त होने के बावजूद भी फिर से बद्ध अवस्था में आ सकते हैं, क्योंकि आपको युवा हो जाएगा आप मुक्त हो गए, आप कुछ प्रवृत्ति में लगे नहीं है, आप निवृत्त हो गए। कोई रिटायरमेंट किसी ने ले लिया और उसके बाद कुछ प्रवृत्ति नहीं है तो क्या करेगा, नॉनसेंस एक्टिविटी करेगा ना। हम देखते ना काफी रिटायर बुजुर्ग लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, रिटायर हो गए 58-60 तो वो शेयर मार्केट की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, करते कि नहीं। लेकिन जो पहले से भक्ति में लगा हुआ है तो रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, फुल टाइम भक्ति करेगा। तो जो ज्ञानी भी है अगर वो भी भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो वो उसको फायदा नहीं है, उसको नुकसान है, वो अविद्या ही है एक प्रकार से। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है क्योंकि उसे भक्तिमय सेवा का पता नहीं रहता है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा करता है। बच्चों को विनती है कि वो क्लास अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र ही श्रेष्ठ बन जाता है। अगर आपको लंबा रास्ता लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे सकाम कर्म, निष्काम कर्म, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, फिर भक्ति, ऐसे लेडर ले सकते हैं। और आपके ऊपर किसी भक्त की कृपा हो गई, जैसे नारद मुनि ने अलग अलग भक्तों पर कृपा की तो उनका डायरेक्ट कल्याण हो गया। तो हमें बताया कि आप शीघ्र ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। क्या बताया, ज्ञान विमुक्त, ज्ञान के बिना परम भक्ति में लग जाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है उसका उद्देश्य उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदृढ़। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो महात्मा का जो डेफिनेशन है, जो अहिंसा का प्रचार करते हैं उनको महात्मा नहीं बताते हैं, वो एक्सटर्नल भौतिकतावादी लोगों ने दी हुई डेफिनेशन है। यहां पे
स्पेसिफिक डेफिनेशन बता दी कि जो वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव ही जीवन का लक्ष्य है वो समझता है वही सत्य है कि वही महात्मा है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है वे निश्चय ही उच्च पद पर है। समस्त भक्तों में गोपियों को श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती। गोपियों को बोला गया कि भाई कृष्ण को बुखार आ गया है, उनको सिर पे आपके चरण की धूली चाहिए, तो हाँ ले लो जितनी चाहिए ले लो, और बाकी ये गोप तो अरे हमारे चरण की धूली भगवान के शरीर पे लगा सकते हैं क्या? मतलब वो हम ऐसा सोचते हैं कि ये ऑफेंड करेंगे हम लोग, लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा कृष्ण के लिए जो चाहिए करो आप, तो वो लेवल का प्रेम है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सेवा तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर उनकी चरण की रज कृष्ण के माथे पे लगा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कृष्ण को अच्छा होना चाहिए, तो कृष्ण के लिए कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी करने के तैयार है नहीं, वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करते हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही अपने उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुए, तो ज्यादा याद करते थे ना, जब थे तब तो याद करते थे, लेकिन जब कृष्ण चले गए तो उनको ज्यादा याद करते थे। तो कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्येक सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं, और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहां तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते, अतः वे उनका यानी कि राधा रानी का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए युगल अवतार, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सकें। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और उनका कुंड यानी कि श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत में उदाहरण से होती है, जिससे चैतन्य चरितामृत में भी दिया गया है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कृण्णम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवेका विष्णु दत्त्यस्न वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण यानी कि विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान यानी कि राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में है, अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। अभी जो 11वां श्लोक है उसका सिर्फ अनुवाद और उसका मैं तात्पर्य ले लेता हूँ, दो ही पेज है तो अपना क्या पूरा बुक समाप्त हो जाएगा। तो 11वें श्लोक में बजाते हैं कि अनुवाद में अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए उसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? तात्पर्य में बताते हैं, यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि वह राधा रानी का है जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा हैं। वे समस्त गोपियों में सर्वाधिक प्रिय हैं। इसी प्रकार उसका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है।
तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप में न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके उसे सरोवर में स्नान तो कर लेना चाहिए। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों यानी कि मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों यानी कि सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर ही श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त श्री राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर सामान्य भक्तों के लिए विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममय सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। तो ऐसा बताया है कि स्नान सिर्फ करना नहीं है, स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर भी इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। यहां भी पता है कि आप सोचते हैं वैसा होता है तो आपको वही चिंतन करना है, सोचना है भगवान के बारे में, भगवान के जो उच्चतम भक्त हैं, गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनका राधा कुंड है उसके बारे में सोचना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त पाना कठिन है। इस प्रकार से राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो अभी हमने जो 11 श्लोक हैं श्री उपदेशामृत से तो उसका अध्ययन किया हुआ है। तो जिन भक्तों के पास ये पुस्तक नहीं है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप प्राप्त कर लें और उसका अध्ययन कीजिए और इसके जो श्लोक है उसका अगर पॉसिबल है तो हर रोज पाठ करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको चेतना बढ़ेगी आपकी और जो भौतिक चेतना जो लगी हुई है उसमें से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो अभी हमने श्री रूप गोस्वामी रचित एक पुस्तक का अभ्यास किया है। अभी हम नेक्स्ट वीक से या उसके नेक्स्ट वीक से श्री भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उपदेश क्या है अभी, ये नेक्टर का मतलब क्या है, अमृत, भक्ति रस अमृत सिंधु, तो मतलब क्या है, सब एक्सेस में ही है, भक्ति है, रस है, अमृत है, उसका भी क्या है, सागर है, सिंधु का मतलब क्या है। तो हम ये पुस्तक को पढ़ेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये पुस्तक प्राप्त कर लीजिए, जो लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, गुजराती में समझ में आता है तो गुजराती में ले लीजिए, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मेरे पास इंग्लिश में था लेकिन अभी हिंदी में कक्षा लेनी है तो मैंने हिंदी में प्राप्त किया है, अभी मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जो लैंग्वेज मराठी समझते तो मराठी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पुस्तक नेक्स्ट लेवल है, अभी इसमें जो आनंद आ गया ना आपको, तो इससे और अभी जैसे नदी में जाते हो सागर में जाते तो क्या है, तो ये सागर है। तो भक्ति के अंदर कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो डिटेल में इसमें समझाया हुआ है। इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हुए थे उपदेशामृत में, लेकिन इसके अंदर में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो कितने लोग रेडी हैं ये पढ़ने के लिए? कुछ लोग तो रेडी हो गए, चलो।
अच्छी बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को भी प्रश्न है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।